शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी पांच शब्द बताते हैं हमारे कल्याण के लिए, जिसमें ये सभी धारणाएं साथ में आए। पहली है सत्यता, कि हमने सतयुग में जाना है, हमें कभी भी अंदर कुछ बाहर कुछ कर जिसको हम युक्ति कहते हैं नहीं करना चाहिए। सत्य बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरा पवित्रता, जो बाबा ने कहा पवित्रता में सबसे सूक्ष्म पवित्रता ये है कि हम सबके लिए शुद्ध संकल्प रखें। अगर हम किसी के लिए भी व्यर्थ या बुरा संकल्प खराब रखते हैं तो पवित्र नहीं। तीसरा दादी जानकी ने बताया था धैर्यता, ड्रामा पर खड़े रहना, जल्दबाजी नहीं करना, जो चीज होगी ड्रामा अनुसार ठीक ही होगी, जो दूसरा कर रहा है ड्रामा अनुसार ठीक ही कर रहा है। और हमें ड्रामा बहुत बचाता है, कोई गलती नहीं होगी कोई बात नहीं, ड्रामा इसको ठीक कर देगा। क्यों? हम चढ़ती कला में, चढ़ती कला वाले को चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए धैर्य था। ये नहीं जल्दी से, ये जल्दी से, जल्दी देवताओं की नहीं। आपको पता देवता कभी जल्दी चलते हैं? हमारी मम्मा जल्दी नहीं चलती थी। एक बार मम्मा दिल्ली में आई, मम्मा भाई बहनों से मिल रही थी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन तैयार थी आपको जाने के लिए, हरी झंडी हो गई, किसी ने कहा मम्मा हरी झंडी हो गई। मम्मा ने नाप की, स्पीड कम की, जैसे मिल रहे थे वैसे मिल गए, कार में सीटी बजा दी, मम्मा कार में सीटी बजा दी, मम्मा फिर भी उसी स्पीड से सबको मिलती रही और दूसरी सीटी बजा दी, फिर भी मम्मा उसी स्पीड से चल के अपने लक्ष्य में पहुंची। तो गाड़ी काल पर जीत इसको कहा जाए, तो बाबा कहता धैर्य था दादी जानकी के लिए। अगला है नम्रता। अगर हम ज्ञानी हैं, हम नम्र नहीं हैं, तो हमारा ज्ञान सिर्फ बुद्धि का है। और लास्ट है मधुरता, कि हमारे भगवान हमें रोज मीठे मीठे बच्चे कहता है, हमें मधुरता धारण करनी है, क्योंकि डायबिटीज शरीर की होती है, आत्मा की होती है, आत्मा की डायबिटीज खतरनाक होती है। बाबा कहेगा मीठे मीठे बच्चे उसके अंदर ही नहीं जाएगा, तो डायबिटीज। इसलिए बाबा कहता मधुरता को धारण,